डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के महानतम गेंदबाजों में से एक। लिली की गेंदों के साथ उनकी हरकतें भी बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ाती रही। अक्सर ही वो मैदान पर भिड़ जाते और फिर बवाल खड़ा हो जाता। इंटरनेशनल क्रिकेट में लिली को टक्कर दे सकने वाले चंद लोगों की लिस्ट में पाकिस्तानी लीजेंड जावेद मियादाद का नाम शामिल है। मियादाद जो चेतन शर्मा को लगाए गए छक्के और किरण मोरे को चिढ़ाने के लिए बराबर फेमस हैं, वही मियादाद एक बार लिली से भिड़ गए थे। हुआ ये कि साल 1981 चल रहा था। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थी। सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया। पाकिस्तान का बुरा हाल था। पहली पारी में सिर्फ 62 रन पर सिमटने वाले पाकिस्तान को चौथी पारी में 543 रन चेज करने थे। 16 नवंबर की तारीख थी। हालात चौथी पारी में भी बहुत अच्छे नहीं थे। 100 रन के अंदर ही टॉप के चार पाकिस्तानी बल्लेबाज वापस जा चुके थे, लेकिन कैप्टन मियादाद ने एक छोर पर खूंटा गाड़ रखा था। इस दौरान डेनिस लिली बॉलिंग करने के लिए आए। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले लिली को दूसरी पारी में अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला था। फ्रस्ट्रेट से हुए लिली के एक ओवर की आखिरी बॉल को ऑन साइड में खेल मियादाद सिंगल के लिए भागे। रन पूरा करते करते लिली से उनकी टक्कर हो गई। वीडियो में मामला साफ था कि लिली जानबूझकर मियादाद के रास्ते में आए हैं, लेकिन लिली अपनी गलती क्यों मानते। अंपायर से अपना स्वेटर वापस लेते लेते डेनिस लिली ने मियादाद को लात मार दी। मियादाद बल्ला लेकर लिली पर कूद पड़े। अंपायर टोनी क्राफ्टन ने बीच में आकर लड़ाई को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि अंपायर के बीच में आने के बाद भी दोनों प्लेयर्स का ताव कम नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल को भी बीच में आना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि ओवर की आखिरी बॉल थी। चैपल ने तुरंत लिली को बाउंड्री पर भेज दिया। लिली की इस हरकत की चारों ओर आलोचना हुई। लोगों ने इसके लिए उन्हें जमकर लताड़ा। बाद में लिली पर 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम इस पूरे मामले में लिली के साथ खड़ी रही। कैप्टन चैपल ने पूरा दोष ही जावेद मियादाद पर डाल दिया। पाकिस्तानी मैनेजमेंट इस बात से भिन्नाया, लेकिन इससे कुछ बदला नहीं। लिली ने बाद में पाकिस्तानी टीम से मुआफ़ी मांगी। हालांकि यहां भी वो अपनी बात पर कायम रहे कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। जावेद मियादाद ने इस बात का जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया है। मियादाद के मुताबिक लिली को धक्का देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जानबूझकर रास्ते में आ खड़े हुए थे। बाद में पाकिस्तान की टीम चौथी पारी में 256 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने मैच को 286 रन से जीत सीरीज में 1-0 की लीड ले ली। लेकिन ये मैच डेनिस लिली और जावेद मियादाद की बदौलत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हालांकि इस घटना को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से ये घटना मैदान के बीच में घटी, उससे पूरा माहौल बदल सा गया। बाकी दोस्तों, डेनिस लिली या जावेद मियादाद के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।